हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस कैसे हैं आप लोग होपफुल अच्छे होंगे तो आज जो है अगेन हम लोग देखेंगे सी सैट का प्रैक्टिस सीरीज़ अब पिछले वाले वीडियो में हमने जो है क्या देखा था ट्रेलिंग जीरो जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपके जिससे आपका सी सैट में काफ़ी क्वेश्चनस आता है तो आज जो हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं वो देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर ये भी आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और इससे भी आपका क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा सी सैट में या तो अल्टरनेटिव यर्स पे पूछ लिया जाता है या तो हो सकता है आपको लगातार भी पूछ लिया जाए जैसे कि सी सैट में जो है एक क्वेश्चन आया था उसको हम लोग लेक्चर के एंड में देखेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं कंसेप्ट से समझने का कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा जैसे अगर आप बुक्स में देखते होंगे तो रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज होते हैं जैसे फॉर्मैट थ्योरम है या ऑयलेस टोशेंट है तो वो बेसिकली क्या है फॉर्मूला है आपको अगर याद है तो आप उसको यूज़ करके डेफिनेटली क्वेश्चन बना सकते हैं लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे बेसिक से अप्रोच करेंगे और उसी बेसिक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे चलिए अब देखिए कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर पहले देखते हैं रिमाइंडर होता क्या है अगर हम लोग एक एग्जाम्पल एक नंबर एन है ठीक है इसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ए से तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन आता है बी यहाँ पर कुछ एम आया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आर बचेगा ठीक है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ए जो है वो आपका क्या है डिवीजर है बी जो है वो आपका क्या है क्वेश्चन है एन जो है वो क्या है बेसिकली आपका डिविडेंट है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और आर जो है वो रिमाइंडर है तो किसी भी नंबर को अगर आपका उसको डिवीजर पता है क्वेश्चन पता है रिमाइंडर पता है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन इज़ इक्वल टू ए इंटू बी प्लस आर ठीक है इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं अगर हम लोग को तीनों कॉम्पोनेंट पता है तो ये जो आर हुआ ये हो गया रिमाइंडर ये तो आपको पता चल गया कि ये जो आप बेसिक मैथ्स में भी पढ़ते होंगे कि रिमाइंडर क्या होता है अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको यूज़ करके हम लोग इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एक है अब इसका मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या है जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा वो इलेवन इंटू है आपको दिया हुआ है और आपको डिवाइड करना है इसको सेवन से तो बताइए क्या होगा इसका अगर आपको इस केस में अगर आपको डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप क्या करेंगे पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज इलेवन इंटू तो आपका कितना हो जाएगा वन और इसको फिर डिवाइड करेंगे सेवन से अब आप इसको रिमाइंडर निकालें 187 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा हम लोग देखिए जब भी अभी पूरे पूरे जो रिमाइंडर वाला सेशन में जब भी हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आपको फाइनली क्या लिखना है रिमाइंडर लिखना है ना कि क्वेश्चन ठीक है हर जगह जैसे वन एटी हम लोग लिखें तो इसका मतलब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या है ये जो है इस रिमाइंडर वाले पार्ट में ऐसे ही रहेगा ऐसे जनरली ये क्वेश्चन आपको निकालना रहता है लेकिन अभी आपको रिमाइंडर निकालना है तो वन एटी सेवन बाई सेवन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा सेवन टू ज फोर्टीन फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन को करेंगे तो सेवन सिक्स ज फोर्टी टू तो बचा रिमाइंडर फाइव आपका रिमाइंडर फाइव आ गया अब हम लोग क्या करते हैं एक दूसरा तरीका करते हैं इलेवन इंटू सेवनटीन बाई सेवन था आप क्या करिए कि इनका इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकाल लीजिए इंडिविजुअल रिमाइंडर्स क्या होगा अगर आप इलेवन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फोर सेवेंटीन को करेंगे तो क्या आएगा सेवन टू फोर्टीन होता है थ्री तो फोर्थ इंटू थ्री ट्वेल्व हो गया उसको इसको आप डिवाइड करिए सेवन से तो आपका क्या आ जाएगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सेवन अभी भी रिमाइंडर फाइव आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी क्या है? मिल गया कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें जो रिमाइंडर आता है या फिर उनका इंडिविजुअल रिमाइंडर्स ले लें उसको मल्टीप्लाई करें और फिर फाइनली सेवन से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा दोनों केस में सेम रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अभी आप इसी को यूज़ करके हम लोग बाकी सारा क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिव सेम हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इलेवन प्लस सेवनटीन डिवाइडेड बाई सेवन तो आप क्या करेंगे पहले दोनों को ऐड कर देंगे ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है इलेवन प्लस सेवनटीन दट इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट बाई सेवन इज रिमाइंडर के मतलब जीरो है क्योंकि ट्वेंटी एट जो है सेवन से डिविजिबल है चलिए हम लोग इंडिविजुअल रिमाइंडर्स देखते हैं अगर इलेवन को डिवाइड किया तो फोर सेवेंटीन को डिवाइड किया तो थ्री डिवाइड बाई सेवन तो सेवन डिवाइड बाई सेवन देन अगेन इज रिमाइंडर जीरो तो यानी आपको एक दूसरा बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिल गया क्या कि आपका रिमाइंडर जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है और हमने मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी तो देख ही लिया तो अब इस दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके और एक एक होता है कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी उसको यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब आप जो है देखेंगे इस चीज़ को चलिए देखते हैं पहले अब एक छोटा सा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर इसको भी यहां पर देख लेते हैं जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सोचिए सिक्स को आपको सेवन से डिवाइड करना है ठीक है आपका नंबर सिक्स है उसको सेवन से डिवाइड करना है तो डिवीजर जब आपका बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका जो है रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा लेकिन आप इस तरह से इसको समझने का कोशिश करिए कि सिक्स में अगर एक ज्यादा होता तो बेसिकली वो सेवन का मल्टीपल हो जाता है क्योंकि सेवन खुद सेवन का मल्टीपल है तो इस केस में इसका रिमाइंडर माइनस वन भी है ठीक है ये देखिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल रिमाइंडर इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं लेकिन इसको यूज़ करते हैं कहाँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में लेकिन जब भी आपसे कभी फाइनल रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आप सिक्स ही बताएंगे जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं थर्टीन डिवाइडेड बाई फाइव ठीक है तो अगर आप थर्टीन डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो नॉर्मली आपका रिमाइंडर क्या फाइव टू जै टेन रिमाइंडर थ्री आया ठीक है लेकिन नेक्स्ट जो थर्टीन के बाद जो फाइव का मल्टीपल है वो क्या है फिफ्टीन तो थर्टीन कितना कम है उससे तो उसे दो कम है तो उसका रिमाइंडर माइनस टू भी हो जाएगा तो यानी ये दोनों थ्री और माइनस टू को हम लोग इंटर इंटरकन्वर्टेबली यूज करते रहेंगे लेकिन दोनों का मतलब सेम रिमाइंडर होगा लेकिन जब आपको फाइनली एग्जाम में मार्क करना होगा तो आप क्या करेंगे ये वाला पॉजिटिव रिमाइंडर ये नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएगा तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट था अब आपको ये समझ में आ गया होगा अब लोग जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्टली अब आता है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से समझिएगा देखिए हर क्वेश्चन जैसे आप समझते जाएंगे फिर आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे यहां पर है एट रेज टू दी पावर वन फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा है ये कुछ एट इंटू एट इंटू एट अपू वन फोर्टी फाइव टाइम्स ठीक है डिवाइडेड बाई फाइव तो आप इसको कैसे निकालेंगे इतना तो बड़ा मल्टीप्लाई हम कर नहीं पाएंगे तो हमने अभी जस्ट क्या था मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको अगर हम लोग क्या करें कि नंबर्स को इंडिविजुअली डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर आएगा दोनों सेम होगा तो यानी अगर हम लोग एट 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 को अगर फाइव से डिवाइड कर दें तो हर केस में रिमाइंडर आपको क्या मिलता है थ्री तो ये जो अब क्वेश्चन है ये अब चेंज हो गया है थ्री रेज टू द पावर वन फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव पहला स्टेप आपको पता चल गया कि ये हमने कैसे चेंज किया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज किया अब आपको क्या करना है देखिए अब हम लोग एक एक करके ना थ्री के पावर को रेस करते हैं और फाइव से डिवाइड करते हैं अब हम लोग ये ये क्यों करें अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा देखिए पहले अगर आप थ्री को फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा थ्री थ्री स्क्वायर को बेसिकली नाइन को अगर आप फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा फोर क्योंकि नाइन को अगर फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फोर बचता है थ्री क्यूब आपका क्या होता है जल्दी से बताइए अगर हम लोग फाइव से डिवाइड करेंगे तो थ्री क्यूब आपका बेसिकली ट्वेंटी सेवन होता है और फाइव फाइव से अगर ट्वेंटी फाइव होता है तो आपका ट्वेंटी फाइव बचा रिमाइंडर टू उसके बाद थ्री रेज टू दी पावर फोर करेंगे डिवाइड बाई फाइव थ्री रेस्ट टू पावर फोर कितना होता है आपका एटी वन एटी वन को फाइव से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर बचा वन अब हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे क्यों देखिए अभी जस्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आपका रिमाइंडर होगा थ्री रेज टू दी पावर फाइव डिवाइड बाई फाइव आपका अगेन थ्री आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरह का साइकिल चल रहा है कितने का फोर का मतलब थ्री रेस टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई फाइव का मेरा रिमाइंडर वन आ जाता है ये हमको यहाँ से पता चल गया क्यों क्योंकि देखिए हमने पहले थ्री बाई ऐसे अगर आपको दिया हुआ है जैसे एक्सप्रेशन दिया है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फाइव इसका रिमाइंडर वन आ जाएगा मतलब थ्री रेस टू दी पावर फोर को अगर हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमको वन मिल जाएगा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए क्यों देखिए अब हम लोग इसको अब जस्ट समझेंगे अब हम लोग यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं सारा को एक मिनट अब हमें क्या मिल गया कि थ्री रेस्ट टू दावर फोर डिवाइडेड बाई फाइव इज वन और हमारे पास कितना पावर है थ्री रेस्ट टू दावर वन फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव तो अगर हम लोग इस वन फोर्टी फाइव को ब्रेक कर दें इन टर्म्स ऑफ फोर जैसे ऐसे मतलब थ्री रेस्ट टू दावर फोर इंटू थ्री रेस्ट टू द पॉवर फोर इंटू थ्री रेस्ट टू द पॉवर अप टू कितने तक जाएगा वन फोर्टी फोर तक जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि वन फोर्टी फाइव आपका जो है वो डिविजबल uh, नहीं है फोर से तो लास्ट तक आपका क्या जाएगा जो भी जाएगा जितने तक थ्री इज टू दावर फोर इंटू थ्री हो जाएगा और डिवाइडेड बाई फाइव ऐसा कुछ आ जाएगा तो इतने दूर का तो रिमाइंडर क्योंकि सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर वन है हमने अभी जस्ट देखा तो इसके इतने दूर तक का तो रिमाइंडर आपका वन आ गया तो सिर्फ आपका क्या बचा थ्री तो थ्री डिवाइडेड बाई फाइव तो आपका फाइनली रिमाइंडर आ गया थ्री ठीक है तो आपको क्या करना था आप इस तरह से भी समझ सकते हैं आपने साइक्लिसिटी निकाल लिया साइक्लिसिटी मतलब कितने बार के बार, कितने पर वन आ रहा है तो उससे जो भी आपको निकाला जो भी आया आपका उससे आपको पावर को डिवाइड कर देना है जो भी बचेगा उतना ही जो है सिर्फ बच जाएगा आपका रिमाइंडर निकालने में ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगा चलिए एक ये क्वेश्चन है 25 फाइव रेज टू दी पावर 423 ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई इलेवन अगेन बहुत बड़ा नंबर है लेकिन हम लोग क्या करेंगे एकदम बेसिक से अप्रोच करेंगे तो इसका ही मतलब क्या हुआ 25 फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव अपू फोर ट्वेंटी टाइम्स ठीक है तो आपको क्या करना है इंडिविजुअली डिवाइड करिए तो 25 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इलेवन से तो क्या होता है इलेवन 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 टू जी ट्वेंटी टू तो मतलब थ्री जाता था तो थ्री रेज टू दावर फोर ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई इलेवन आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया फिर हम लोग क्या करते हैं साइकिल चलाते हैं थ्री को अगर डिवाइड करेंगे इलेवन से तो आएगा थ्री थ्री स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इलेवन से तो आएगा नाइन थ्री रेस्ट टू दी पावर क्यूब को करेंगे डिवाइड इलेवन से तो आपका कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन है तो रिमाइंडर आ जाएगा फाइव उसके बाद थ्री रेस्ट टू दि पावर फोर को करेंगे डिवाइड इलेवन से देखिए अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि थ्री रेस्ट टू पावर क्यूब तक का हमको रिमाइंडर पता चल गया है तो नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा थ्री रेस्टू पावर फोर मत करिए आप सीधा करिए यहां तक का जो रिमाइंडर आया है फाइव इंटू थ्री कर दीजिए तो क्या क्या होगा फाइव थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन डिवाइड बाई इलेवन कितना हुआ रिमाइंडर फोर अगेन थ्री रेस्ट टू दि पावर फाइव क्या करिए आप सिर्फ फोर इंटू थ्री कर दिए तो ट्वेल्व करेंगे ट्वेल्व आ जाएगा ट्वेल्व को अगर डिवाइड करेंगे इलेवन से तो रिमाइंडर वन तो हमको पता चल गया कि मेरा यहां पर साइक्लिसिटी कितना है फाइव का है क्योंकि थ्री रेस टू दी पावर फाइव डिवाइडेड बाई इलेवन हमको जो है 1 मिल जा रहा है तो यानी इसको क्या करना है हमको बेसिकली से डिवाइड करना है है जो भी रिमाइंडर रिमाइंडर बचेगा उतना ही को निकालना है। क्योंकि बाकी तो वन आ गया तो अगर फोर ट्वेंटी थ्री को आप डिवाइड करेंगे फाइव से तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा थ्री तो क्या हो गया थ्री रेस्ट टू दी पावर थ्री डिवाइड बाई इलेवन और थ्री रेस हुआ थी तो सबको पता है कितना था ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई इलेवन और जो आपका जो भी रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा फाइव बहुत ईजी था इसको आपको क्या करना है पहले आपको रेज कर देना है इस तरह से कि आपका जो है आप डिवाइड करते जाएं कि आपका रिमाइंडर वन आ जाए जहां पर वन आ जाए आपको वहां पे स्टॉप कर देना है और उसके बाद जो है आपको उतने ही से डिवाइड कर देना है जो भी पावर जो भी रिमाइंडर बचा वही आपका रिमाइंडर होगा ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्लैरिटी आएगा जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा फोर्टी रेज टू दी पावर सेवेंटी डिवाइडेड बाई सेवन ठीक है अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जल्दी से लिख देते हैं इस बार हम लोग वो नहीं करेंगे फाइव रेस टू दी पावर सेवेंटी फोर बाई सेवन अगर हम लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि सेवन फाइव जो थर्टी फाइव होता है और फाइव बच जाता है तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को हम लोग रेस टू दी पावर कर सकते हैं अब क्या आता है अगेन हम लोग साइक्लिसटी चलाते हैं वही कंसेप्ट है फाइव को अगर सेवन से डिवाइड करेंगे तो फाइव ट्वेंटी फाइव को सेवन से डिवाइड करेंगे तो अगर फाइव स्क्वायर लिखते हैं सेवन को से डिवाइड करेंगे तो कितना सेवन से ट्वेंटी वन होता है तो बचा फोर फाइव क्यूब करते हैं तो फाइव क्यूब करना है तो हम लोग क्या करेंगे वन ट्वेंटी फाइव नहीं करेंगे सिंपल फाइव इंटू फोर कर देंगे ट्वेंटी और कितना होता है सेवन टू जो फोरटी तो आपका आता है सिक्स ठीक है अभी हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे कैसे नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर देखिए अब उसके बाद फाइव रेस्ट एक बार फोर डिवाइड बाई सेवन है तो कितना फाइव सिक्स जै थर्टी है तो ट्वेंटी एट होता है तो रिमाइंडर टू फाइव रेस्टू द्वारा फाइव डिवाइड बाय सेवन करेंगे तो अगेन फाइव टू जै टेन रिमाइंडर थ्री फाइव रेस्ट टू दावर सिक्स डिवाइड बाय सेवन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फाइव टीजा फिफ्टीन सेवन द फोरटन रिमाइंडर वन तो आप देख रहे हैं फाइव रेस्ट टू द पॉवर सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन में रिमाइंडर वन आ जा रहा है तो यानी इसका साइक्लिसिटी कितना है सिक्स का है तो सिक्स से हम लोगों को क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है जो भी बचेगा उतना ही पावर रेज हो जाएगा इस पर अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दिए कि फाइव रेस्ट टू द पावर थ्री जहां पर था डिवाइडेड बाय सेवन कर थे तो उस समय मेरा रिमाइंडर सिक्स आ रहा था इस सिक्स को आप किस तरह से भी मान सकते हैं माइनस वन की तरह से भी मान सकते हैं अभी हमने जस्ट देखा नेगेटिव रिमाइंडर तो आपको ये पता चल गया कि फाइव रेस्ट द पावर थ्री को सेवन से डिवाइड करते हैं

इतना ही इजी क्वेश्चन था अगर आप इसको कंसेप्ट को जानते हैं इस तरह की चीज़ को निकालने को जानते हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ऑयलेस टोशन होता है उसमें कंसेप्ट होता है कि आपको जो जैसे यहाँ प्राइम नंबर है इसका ट्वेसट जो है वो सिक्स हो जाता है आप जो है सेवेंटी को डायरेक्टली सिक्स से डिवाइड करते हैं जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उतना ही पावर रेज होगा ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग हमारे लेक्चर्स में स्लीपिंग क्लासेस गवर्नमेंट जॉब में वहाँ पर डिस्कस है लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता है आपको बेसिक कंसेप्ट से जाना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एक अच्छा एक और टाइप होता है देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी डिवीज जितना भी डिवीजन लिया था सब प्राइम नंबर थे ठीक है सेवन फाइव इलेवन अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर करेंगे एक कॉम्पोजिट नंबर तो यहाँ पर है आपका फोर्टी टू रेज टू द पावर फोर्टी टू डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव ठीक है थर्टी फाइव आपका कॉम्पोजिट नंबर है तो आप क्या करिए पहले हम लोग देखिए इसको इसमें कुछ कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं इसको ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फोर्टी टू है तो एक फोर्टी टू आप बाहर निकाल लीजिए तो फोर्टी टू इंटू फॉर्टी टू रेज टू दी पावर फोर्टी वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपको फोर्टी टू जो है आप उसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं सेवन सिक्स 42 फोर्टी टू और थर्टी फाइव क्या होता है सेवन फाइव 35 थर्टी फाइव तो ऊपर नीचे मेरा सेवन कैंसिल हो जाएगा तो हम सेवन को बाहर निकाल लेते हैं ठीक है अभी आप इसको ध्यान रखिए कि आपने सेवन जो है वो कॉमन बाहर निकाल लिया है तो ऊपर क्या बचा सिक्स इंटू फोर्टी टू रेस टू दी पावर फोर्ट वन डिवेड बाई नीचे फाइव ठीक है आपका सिर्फ अगेन नीचे प्राइम नंबर आ गया अब हम लोग को वही काम करना है चलिए वहाँ पर देखिए क्या है जैसे सिक्स को डिवाइड करते हैं तो वन तो वो तो मेरे लिए वो अब मायने नहीं रखता है सिक्स को डिवाइड करते हैं फाइव से तो रिमाइंडर वन बचता है अब बचता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट फोर्टी टू को डिवाइड करते हैं फाइव से तो फोर्टी टू को फाइव से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर टू तो ये क्या आपका हो गया टू रेस टू दी पावर फोर्टी वन डिवाइडेड बाई फाइव या ये इतना छोटा हो गया क्वेश्चन अब इसका क्या करना है आपको साइकिल चलाना है टू अगर हम लोग करेंगे टू डिड बाई फाइव रिमाइंडर टू आता है टू स्क्वायर डिवाइड बाई फाइव रिमाइंडर फोर आता है यहीं पर आपको रुक जाना है क्यों देखिए आपका स्क्वायर जो है यहाँ पर फोर जो आ गया तो यानी बेसिकली ये माइनस वन है तो मेरा ये ऑब्वियस हो जाएगा कि टू रिस्ट टू द पावर फोर डिवाइड बाई फाइव पर मेरा रिमाइंडर वन ही आएगा क्यों क्योंकि टू रिस्ट स्क्वायर पर जो है मेरा माइनस वन आ गया था ठीक है तो यानी यहां से हमको पता चल गया ऐसे भी ऑब्वियसली सिक्सटीन डिवाइड बाई फाइव आपका रिमाइंडर वन ही आता है अगर आप समझना चाहें तो तो यहां से हमको पता चल गया कि इसका साइकिल जो है वो फोर का है तो आपको क्या करना है फोर्टी को फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ एक वन तो यानी टू बाई हो जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा टू लेकिन ध्यान दीजिए आपने सेवन जो है कॉमन बाहर निकाला था तो आपको फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका फाइनल रिमाइंडर जो है इसका वो आ जाएगा फोर्टीन ठीक है तो कॉमन फैक्टर का क्या होता है आप उसको पहले बाहर निकाल लीजिए लेकिन जब आप फाइनल रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो उसमें वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तो वहां से आपको क्लियर आ जाएगा अब ये जो है आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है अब इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग एक दूसरे लेक्चर में देखेंगे यूनिट्स प्लेस वाला उस कंसेप्ट से भी आपको बना सकते हैं लेकिन ये जो है आपका बेसिकली एक रिमाइंडर का ही क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे थ्री रेज टू दावर टू जीरो वन नाइन डिवाइडेड बाई टेन ठीक है आपको क्या करना है सिंपल अगर करना है आपको दिया हुआ है आपको अगर यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो आप साइकिल चलाना स्टार्ट करिए अगर थ्री डिवाइड करते हैं टेन से तो रिमाइंडर थ्री आता है थ्री स्क्वायर डिवाइड करते हैं टेन से तो रिमाइंडर नाइन आता है यानी माइनस वन आता है यानी थ्री रेस्ट टू दर फोर डिवाइड बाई टेन पर डेफिनेटली हमको रिमाइंडर वन मिल जाएगा तो यानी इसका साइक्लिसिटी कितना हो गया फोर का हो गया अब आपको क्या करना है टू जीरो वन नाइन को सिंपल फोर से डिवाइड करना है तो करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर से अगर हम लोग करते हैं तो फोर फाइव जीरो ट्वेंटी जीरो फोर फोर जो सिक्सटीन बच जाता है रिमाइंडर थ्री तो पूरा एक्सप्रेशन जो है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा थ्री रेस्ट टू दावर थ्री डिवाइड बाई टेन अब थ्री डिटा थ्री क्या 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 होता है आपका ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को टीवेंट अगर टेन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा सेवन तो आपका सही आंसर था इसका सेवन ये आपका 2021 का क्वेश्चन है अगर आप इसको कंसेप्ट को जानते हैं रिमाइंडर का तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे अब आपको कोई ऑललेस क्वेश्चन फॉर्मेट्स थ्योरम याद करने का जरूरत नहीं है आप बिल्कुल कन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बना सकते थे चलिए देखते हैं ये आपका 2020 का अगेन क्वेश्चन है देखिए होता है लगातार ईयर भी पूछ लिया जाता है फिफ्टी वन इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी फाइव इंटू सिक्सटी टू इंटू सेवेंटी फाइव चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्टी वन इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी फाइव इंटू सिक्सटी टू इंटू सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो चलिए सबसे पहले हमको दिख रहा है कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं तो सेवेंटी फाइव में तो हमको एक ट्वेंटी फाइव दिख रहा है और सिक्सटी टू में एक टू दिख रहा है तो यानी दोनों को बाहर निकालेंगे तो फिफ्टी हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो चलिए हम लोग बाहर निकाल लेते हैं फिफ्टी अब मेरे पास क्या बचा सेवनिटी फाइव का सिर्फ थ्री बचा सिक्सटी टू का सिर्फ थर्टी वन बचा ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव इंटू फिफ्टी वन और नीचे क्या बच जाएगा क्योंकि फिफ्टी हमने बाहर निकाल लिया तो बच गया टू ठीक है अब आप यहां पर देखिए सारा नंबर्स ऑड है तो अगर हम लोग टू से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर वन आएगा मतलब येगा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन जितना भी है डिवाइडेड बाई टू तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा वन यहां से हमें वन पता चल गया अब आपने क्या बाहर निकाला था फिफ्टी तो आपको वापस इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आप वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इस एक्सप्रेशन का ओरिजिनली रिमाइंडर कितना हो जाएगा फिफ्टी तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए तो आपने देखा कि हमने कैसे रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज किया पहले हमने क्या देखा मल्टीप्लीकेटिवि प्रॉपर्टी देखा फिर एडिटिव प्रॉपर्टी देखा फिर हमने क्या देखा साइक्लिसिटी का कंसेप्ट देखा बेसिकली साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि आपका कितना पावर पर जो है हम लोग डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर वन आ जाएगा आपका टारगेट ये है कि आपको ये निकालना है जैसे आपको पता चल गया वन अच्छा यहां पर वन आ जाता है इसके बाद फिर साइकिल रिपीट करेगा तो इत, जो भी आता है जो साइक्लिसिटी आता है उससे आपको वो पावर को डिवाइड कर देना है जो भी बचेगा उतना ही पावर रेस्ड हो जाएगा और उसका आपको रिमाइंडर निकाल देना है ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था हमने इसको बिल्कुल जो है एक तरह से से आप कह सकते हैं बेसिक से समझने की कोशिश इस किया इसमें हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया और जो है हमने प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो होपफुली आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा ऐसे ही हम लोग कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करते रहेंगे और उससे यह भी देखेंगे कि सीसेट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने का आपको जरूरत है नहीं लेकिन इतना आपको आना चाहिए क्योंकि सीसेट में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा मतलब परफेक्ट क्वांट का क्वेश्चन होता है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उस, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ऐसा नहीं रहता है कि कैट का क्वेश्चन है या फिर एस लेवल का क्वेश्चन है जो, जो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू